जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की बात ऐसी कोई नहीं, हमें तो कोई ऐसी बात उन्होंने कही नहीं। बैठक में आएंगे? अगर कोई ऐसी बात होती तो हमको कहते। बैठक में उनका पता नहीं, अब तो वो निर्णय उनको लेना है। नाराजगी की कोई बात नहीं, खैर फैसला उन्हें खुद लेना है। बिहार में सियासी बदलाव के बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर भले ही उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आरजेडी में सियासी खींचतान जारी है। तेजस्वी यादव जिस जगदानंद सिंह के लिए अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से भिड़ गए थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर दूसरी बार नियुक्ति दी गई है, वही जगदानंद नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन्हें मनाने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जगदानंद सिंह नाराज क्यों है? नीतीश कुमार के कैबिनेट से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह की छुट्टी हो जाने के बाद से जगदानंद का राजद से मन व्यथित है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व के व्यवहार से वे असहज हो गए हैं। हालांकि उनकी ऐसी नाराजगी कोई पहली बार प्रकट नहीं हुई है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के गठबंधन बदलकर आरजेडी के साथ आने के बाद से ही वो असहज दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू नेताओं के ग्रामीण बुजुर्ग वाले बयान ने आग में घी का काम कर दिया है, जिसे जगदानंद सिंह ने अपने दिल पर ले लिया है। बिहार की सियासत में मजबूत रिश्तों की कहानी जगदानंद सिंह और लालू यादव से होकर गुजरती है। जगदानंद सिंह लालू यादव का काफी पुराना रिश्ता है, हालांकि रिश्ता नीतीश कुमार से भी रहा है, लेकिन नीतीश के साथ बदलते वक्त ने रिश्तों में खटास ला दी। फिलहाल अभी लालू ने 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली तो जगदानंद सिंह दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने। ऐसे में जगदानंद सिंह के इस्तीफे का प्रस्ताव आरजेडी के लिए झटका साबित होगा। जगदानंद सिंह ने अपने तौर तरीकों से इसका संकेत भी दे दिया है। तेजस्वी नीतीश के बीच जब भी आत्मीयता देखी, जगदानंद का रुख आक्रामक ही रहा है। ऐसे में नीतीश के एक बार साथ आने के बाद पहले सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर जगदानंद का प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा का प्रस्ताव बिहार में हलचल पैदा कर दी है। लालू यादव से लेकर आरजेडी के तमाम नेताओं के बीच सियासी चर्चा इसको लेकर हो रही है। लालू यादव अपने पुराने साथी जगदानंद सिंह का काफी सम्मान करते हैं, उन्हें खोना नहीं चाहते, इसके लिए वो जगदानंद सिंह को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लालू यादव ने जगदानंद सिंह को दिल्ली बुलाया था आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए, हालांकि जगदानंद सिंह की ट्रेन छूट गई, जिसे लेकर भी तमाम तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि समाजवादी राजनीति करने वाले जगदानंद सिंह अपने बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद उन्होंने आरजेडी कार्यालय आना बंद कर दिया है। कार्यालय से अपने कागज लेकर वे चले गए हैं। सियासी चर्चा है कि लालू नीतीश की बढ़ती करीबी से जगदानंद सिंह पूरी तरह असहज है। वो पहले भी लालू के नीतीश के साथ जाने के पक्षधर नहीं रहे हैं। पहले भी जब कभी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच रिश्तों में प्रगाढ़ता आई, जगदानंद सिंह तीखे बयान देने से नहीं चूके। वही जब जब तेजस्वी ने नीतीश पर हमला बोला, जगदानंद सिंह खुशी से तेजस्वी के पक्ष में खड़े रहे। सियासी चर्चा है कि इस्तीफे की चर्चा के बीच लालू यादव ने जगदानंद सिंह को दिल्ली तलब किया है। हालांकि जगदानंद अभी तक दिल्ली नहीं जा सके हैं, उनकी ट्रेन छूट गई है। वहीं आरजेडी के अंदर चर्चा है कि लालू यादव का लक्ष्य अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसलिए जदयू से अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में लालू फिलहाल जगदानंद सिंह को ही मनाने का काम करेंगे। सियासी जानकारों की माने तो लालू यादव से मुलाकात में सुधाकर सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा होगी। जगदानंद सिंह को दोबारा अध्यक्ष बनाने वाले लालू यादव उन्हें समझा कर पुनः पार्टी कार्यालय भेजेंगे। बिहार के जातिगत समीकरण के हिसाब से आरजेडी में जगदानंद सिंह का कद लगातार बढ़ा है। रघुवंश प्रसाद सिंह के बाद वे एकमात्र कद्दावर ठाकुर नेता राजद में बच गए हैं। जगदानंद सिंह का नीतीश कुमार से वैचारिक विरोध काफी पुराना है। एक समय नीतीश और जगदानंद दोनों ही लालू के बहुत करीबी थे। दोनों नेता पहली बार 1985 में विधायक बने।
कहा जाता है कि नीतीश और जगदानंद को आसपास ही सरकारी आवास भी मिला था। दोनों ने मिलकर लालू यादव को बिहार में नेता प्रतिपक्ष बनवाया था। बता दें कि लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार ने साथ साथ अभियान शुरू किया था। उसके बाद नीतीश कुमार ने अलग होकर समता पार्टी बनाई। लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी सरकार में सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्री जगदानंद सिंह ही थे। सियासी जानकारों की माने तो 2015 में स्थिति अलग थी। लालू महागठबंधन के खिलाफ रघुवंश प्रसाद सिंह की बयानबाजी रोक नहीं पाते थे। इस पर वैसा नहीं है। लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी है। सुधाकर सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा और उस दौरान जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया से आहत जगदानंद सिंह ने इस्तीफे का प्रस्ताव दे दिया है। बिहार के सियासत में नीतीश कुमार से जगदानंद सिंह का रिश्ता काफ़ी पुराना है। जगदानंद सिंह ने नीतीश की बहन की शादी में अगुवाई की थी। दोनों नेता में गहरी दोस्ती थी। बाद में दोनों में खटास हुई और नीतीश की अलग पार्टी बना लेने के बाद जगदानंद सिंह लालू के साथ रह गए। इसके बाद लालू और नीतीश में 36 का आंकड़ा रहा। जगदानंद सिंह लालू यादव के साथ डटे रहे। नीतीश कुमार ने एक समय जगदानंद और आरजेडी के खिलाफ उनके ही बेटे सुधाकर सिंह को बीजेपी से टिकट दिलवा कर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद भी जगदानंद सिंह कभी बेटे के पक्ष में नहीं गए। लेकिन अब जब बेटा राजद में था और उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो जगदानंद सिंह नाराज हो गए। हालांकि सुधाकर सिंह का लिखित त्याग पत्र लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास जगदानंद स्वयं गए थे, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें फैसला बेमन से करना पड़ा और वही बेमन अब उनकी नाराजगी में बदल गई है और वो कोई बड़ा फैसला लेने के लिए अडिग दिख रहे हैं। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखे खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।